जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सीएसपी पॉइंट हो ग्राहक सेवा केंद्र, और आप कैसे ले सकते हैं किसी भी बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र, उसके लिए आपको क्या करना होता है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम है IIBF। इसका एग्जाम पास करने के बाद ही आप किसी भी बैंक का सीएसपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि आप ये फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करते समय बहुत सारा मिस्टेक होता है, उस मिस्टेक के कारण जो है आपका फॉर्म एक बार में सबमिट नहीं हो पाता है। तो हम आज इसी चीज़ को क्लियर करेंगे और आपका फॉर्म भरते समय में जो भी मिस्टेक होगा वो, और साथ में इसका जो फोटो सिग्नेचर और पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड जो अपलोड करेंगे उसका साइज क्या होता है, आज हम उसके बारे में भी बताएंगे। और अप्लाई हो जाने के बाद इसका ऑनलाइन ही टेस्ट होता है, और ये पास हो जाने के बाद ही आप बैंक मित्रा के जरिए या फिर कोई भी CSP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आपको लेके चलेंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम इसका फुल प्रोसेस बताएंगे कि ये कैसे अप्लाई होता है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल A to Z आओ सीखे को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, अब हम आपको बता देते हैं कि आपको कैसे इसको फिल करना है। तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे टाइटल चुन लेना है, मिस्टर मिसेज, और उसके बाद जो है यहाँ पे आप क्या करेंगे चुन लेंगे। तो यहाँ पे अगर जेन सप्लाई कर रहे हैं तो आप मिस्टर कर लेंगे, उसके बाद एमआर, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होता है फर्स्ट नेम। यहाँ पे लिखेंगे आप अपना फर्स्ट नेम, उसके बाद लिखेंगे मिडिल नेम, और यहाँ लिखेंगे लास्ट नेम। और सबसे जो ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको यहाँ पे जो एड्रेस में जो भी आपका आधार कार्ड पे रहता है तो उसी के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त क्या है कि आप स्लैश, हाइफ़न या फिर कोमा इस सब का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप वो इस सब में से किसी भी चीज़ का यूज करते हैं तो वो फिर फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। अब जैसे कि आपके आधार कार्ड में होता है कि सन ऑफ S/O करके होता है, आप वो लिख देते हैं तो ये आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि सन ऑफ का जो है पूरा स्पेलिंग लिखिए, सन ऑफ कर दीजिए SON ऑफ, उसके बाद अपने पिताजी का नाम लिखना है, उसके बाद ये सेकेंड लाइन जो है होगा आपका यहाँ पे, इस जगह पे आप अपना विलेज का नाम लिखेंगे, गांव का नाम, उसके बाद यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपना थाना लिख देंगे PS, और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आप जो भी शहर से हैं वो शहर का नाम लिखना है या फिर आप डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिए, उसके बाद आपको यहाँ चुनना होता है स्टेट, उसके बाद यहाँ पे आपको डालना होता है पिन कोड इस जगह, उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लेंगे इसके अनुसार, मंथ, उसके बाद ईयर के अनुसार अपना जेंडर चूज कर लेंगे। अब देखिए सबसे जो ध्यान देने वाली बात है ये है कि आप इसमें से जो भी आप एड्रेस फिल कर रहे हैं इसमें आपको कोई भी डॉट या फिर हाइफ़न या फिर कोई भी ऐसा चीज़ यूज नहीं करना है। आपको सिर्फ आप जैसे कोई भी नाम लिखेंगे तो आप सिर्फ कोमा वगैरह भी यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ लिखना है विलेज लिख रहे हैं तो विलेज के बाद जो है आप उसको स्पेस दे दीजिए। अगर कोई शॉर्ट फॉर्म भी लिख रहे हैं उसके बाद भी जो अगर कोमा या डॉट लगाते हैं वो नहीं लगाना है आपको, उसके बाद ही आपका फॉर्म सबमिट होगा, नहीं तो यहाँ पे एरर आता रहेगा रेड वाला, ठीक है। तो उसके बाद अब हम करते हैं, चलिए हम स्क्रॉल कर लेते हैं। स्क्रॉल करने के बाद जो है अब जो ऑप्शन आया है यहाँ पे आप ये देख लेंगे, जो डेट ऑफ बर्थ है तो आप देख ही लिए, जेंडर देख लिए, फिर आप कितना ग्रेजुएट हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप ये भी भर लेंगे। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट है आप, वहाँ पे जिसके अनुसार से आपका क्वालिफिकेशन होगा उस पर आपको कर लेना है टिक। यहाँ पे ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, उसके बाद आपको तो जैसा कि देख रहे हैं कि हम यहाँ पे अगर ग्रेजुएट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद वो चुनना होता है कि आप किससे ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट है तो वो कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे अपना डालना होता है ईमेल आईडी,
ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे, यहाँ पे डालना है आधार नंबर, उसके बाद फ़ोटो का जो साइज होता है वो हम आपको दिखा देते हैं। अब इस जगह पे आपको डालना आपको फ़ोटो अपलोड करना है, उसके बाद यहाँ सिग्नेचर अपलोड करना है, और आपको यहाँ पे इस जगह पे आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस हो या पैन कार्ड हो या पासपोर्ट जो भी होगा आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम पैन कार्ड कर लेते हैं तो उसका अब साइज दिया हुआ है। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है कि आपको क्या कैसे उसका साइज होगा, तो ये सब कुछ लिखा हुआ है, अब उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो कम से कम अगर फोटोशॉप पे आप बना रहे हैं तो उसका रेजुलेशन 100 रखेंगे, 100 DPI करके उसका रेजुलेशन रखेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पे KB वगैरह दिया हुआ है कि किस कितना से कितना के बीच में रखना है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए क्या करना है कि हम चले आते हैं फोटोशॉप पे, तो ये मेरे पास फोटो है कुछ और ये पैन कार्ड का है, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि फोटोशॉप यहाँ पे क्या है साइज इसका। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसका जो वाइड होगा वो होगा 100, और लेना है पिक्सल में ही लेना है, और इसका जो हाइट है वो 120 है फोटो का। तो हम फोटोशॉप में आएंगे और इस पर राइट क्लिक करेंगे इसके फोटो पे यहाँ पे, और यहाँ पे जो इमेज साइज लिखा हुआ है इमेज साइज पे जाएंगे और यहाँ पे से हमको सेलेक्ट करना होता है। तो वाइड हमको रखना है 100 और यहाँ रख लेना है 120। अब क्या होता है, इससे पहले रेजुलेशन आप 100 कर लीजिए, उसके बाद आपको ये करना है, यहाँ पे लिखना है 100 और यहाँ लिखना है 120। अब ध्यान दीजिए कि कभी कभी आप यहाँ पे चेंज करते हैं तो ऑटो यहाँ पे चेंज हो जाता है, तो आप ध्यान रखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है इस ऑप्शन को आपको कर लेना है अनटिक, कर लेंगे उसके बाद आप जैसे लिखेंगे वैसे ही लिखाएगा, उसके बाद आपको कर लेना है ओके। ओके करने के बाद इसका साइज बन जाएगा, फिर आपको सेव कर लेना। अब आता है सिग्नेचर, तो सिग्नेचर का भी वही करना है। अब सिग्नेचर देख लेते हैं क्या साइज का है, तो सिग्नेचर जो हो गया इसका वाइड है 140 और हाइट है 60, ये भी पिक्सल में ही है। अब आते हैं फिर से फोटोशॉप में, फोटोशॉप में आने के बाद फिर से यहाँ पे इस जगह पे आपको दिखा देते हैं, इस जगह पे आपको करना है, आप ऊपर में कहीं पे क्लिक कर सकते हैं, इस पर आपको राइट क्लिक करना होता है, राइट क्लिक करने के बाद इमेज साइज जो है इस पर क्लिक करना है, और इसके बाद जो है आपको क्या था हाइट तो 140 और 60। तो सबसे पहले इसको तो 100 कर लेंगे, जो भी रेजुलेशन है उसका 100 कर लेंगे, जिसको DPI बोलते हैं। तो उसके बाद 140 यहां पे कर लेना है 140 और इसका हाइट जो है वो 60 कर लेना है, उसके बाद आपको ओके कर देना है, इसका साइज भी बन गया। अब पूछा जा रहा है कि जो भी आपका प्रूफ है आइडेंटिटी प्रूफ उसका साइज क्या होना चाहिए, सिग्नेचर हो गया। अब आईडी प्रूफ का जो साइज है वो है 400 और 420 के बीच में, ठीक है। तो अब चले आते हैं, तो ये पिक्सल हो गया, अब इसको सेव कैसे करना वो भी हम बताएंगे। तो इसको अब कर लेते हैं 400 और 420 का है, तो चलिए अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद जो है इसका DPI आप कर लीजिए 100 ही कर लीजिए, और अब इसको करना है 400 और हाइट 420 था सही, देख लेते हैं जी 420। अब हमको करना है ओके। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम KB कैसे मिलाएंगे, कि ये कितना KB का है। तो जबकि बोला जा रहा है कि आपका सिग्नेचर जो होगा फॉर्मेट और सिग्नेचर जो है वो 8 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए, यानी कि 8 से 20 के बीच में होना चाहिए, और ये जो है आपका जो भी आइडेंटिटी प्रूफ लगाएंगे उसका होना चाहिए 8 KB से 25 KB के बीच में। तो इससे ऊपर अगर होता है तो वो अपलोड नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, तो इस पर क्या कर लेंगे, सबसे पहले आपको करना है कि कंट्रोल शिफ्ट
सॉरी कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और एस दबाना है, ठीक है। इस तरीके का ऑप्शन खुल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट चाहते हैं कि अगर यहां से नहीं जाएं, तो आप क्या करेंगे कि इस पर क्लिक करेंगे जिस इमेज का साइज छोटा करना है, और आपको आपको आना है यहां पे इस साइज पे, इस जगह पे आना है, एडजस्टमेंट में जाना है। एडजस्टमेंट में जाने के बाद आपको यहां पे सॉरी सेव में जाना है, और आपको लेना है यहां पे सेव एज वेब। आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो इससे ही अब यहां पे जैसे ही आपका यहां पे दिख रहा है, अब यहां पे जो आपका केवी दिख रहा है इस जगह पे, तो आप इसको कैसे कम करेंगे? तो आप यहां पे जो ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको कम या ज्यादा करेंगे तो आपका यहां से केवी कम या ज्यादा होगा। तो जैसे इसको हम कम कर लेते हैं, और हम ऐसे कम कर लेते हैं, अब देखिए उसका जो केवी है यहां का वो कम हो चुका है। तो उसी के अनुसार हमको करना है। अब यहां देखिए, तो आप ऐसे करके इसको कर सकते हैं, और यहां पे ऑप्शन मिलेगा आपको सेव का, सेव कर लेंगे। यहां पे ऑप्शन है सेव का, सेव कर लेंगे। उसके बाद जहां भी है आपको सेव करके और उसके बाद अपलोड करना होता है। बस इसी तरीके से आप सभी फॉर्म का और फॉर्मेट का साइज बना सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको ये सारा कुछ करने के बाद आप यहाँ पे अपना मीडियम चुन लेंगे कि आप किस मीडियम में देना चाहते हैं एग्जाम। तो यहाँ पे हिंदी चुन लीजिए। उसके बाद आप जहाँ से भी हैं उसका फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट और राज्य आपका आ जाएगा। तो पहले आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, जैसे कि हम सुपौल से हैं तो सुपौल चूज किए और सुपौल बिहार आ गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा कि आप कौन सा कहाँ पे देना चाह रहे हैं एग्जाम। तो आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना है, और जो भी होगा आप इसमें से चुन लेंगे। चाहे आपके पास आप जो भी आपका नज़दीकी है आप वहाँ से वो वाला आपको चुनना है। तो अगर हम चुन लेते हैं, उसके बाद आता है कि आप टाइम, तो आप जो भी डेट देना चाहते हैं जो खाली है वो दिख रहा है। उसके बाद आप टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे पैसा दिख जाता है कि आपको कितना कटने वाला है। उसके बाद आपको करना है यहाँ पे क्लिक, और इधर सारा कुछ हो गया है। अब यहाँ पे उसके बाद आपको डालना होता है यहाँ कैप्चा, अब कैप्चा ये वाला डालने के बाद ये जो भी है यहाँ पे लिखा होगा वो कैप्चा आपको, ये वाला कैप्चा आपको इस जगह पे डाल लेना है। उसके बाद आपको कर लेना है पेमेंट। पेमेंट करते ही आपका सीएससी का पोर्टल खुल जाएगा, और यहाँ से आपका 944 रुपया काटा जाएगा। फिर आप आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा, और आप प्रिंट आउट कर लेंगे। उसके बाद आपका एग्जाम का जो भी एग्जाम का डेट है और जो सेंटर है उस सेंटर पे जाना है और एग्जाम देना है। एग्जाम देने के बाद पास करने के बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन मतलब कैरेक्टर बनवाना पड़ता है, और उसके बाद आपको अप्लाई करना होता है सीएसपी के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।